Good morning, student. Welcome in OZI video classes. Today we are going to discuss C language, chapter number 10, self-referential structure. First, I want to tell you what is self-referential structure. Self means अगर हिंदी की बात करें तो self का मतलब होता है स्वयं, और reference मतलब होता है अपने आप को reference करने वाला, या एक तरीके से सरल भाषा में कहें अपने आप को call करने वाला। तो दोनों शब्दों को मिलाकर हमें मतलब ये समझ में आता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसी संरचना जो सी लैंग्वेज में बनी हुई हो और जो अपने आप को ही बार बार कॉल करे। तो इसका यूज़ हम सी लैंग्वेज में करते क्यों हैं? सी लैंग्वेज में हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी मेमोरी को बचाकर डेटा को सफिशियंट, यानी कि जितनी मेमोरी हमें चाहिए उतनी मेमोरी यूज़ करते हुए हम डेटा को स्टोर कर सकें, इसलिए करते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारे डेटा और फंक्शन जो अदर्स होंगे, यानी कि हमारे सेल्फ रेफरेंशियल वाले स्ट्रक्चर के ही प्रोग्राम में जो अन्य हमारे जो फंक्शंस होंगे, डेटा मेम्बर जिनको मेम्बर फंक्शन बोलते हैं, तो वो भी उस मेमोरी को यूज़ कर पाएंगे। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर यूज़ करने से होता क्या है कि हमारा प्रोग्राम जो है स्मूथ और फास्ट रन हो जाता है और हमें हमारा डिज़ायरेबल आउटपुट जल्दी मिल जाता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए यानी डेवलप करने के लिए हमें मैलॉक और कैलॉक, इस तरीके के जो फंक्शन हैं जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन कहे जाते हैं, जो स्टैंडर्ड लिब मतलब लाइब्रेरी डॉट एच नाम की हेडर फाइल में रिसाइड रहते हैं, तो उस हेडर फाइल को लिंक करते हुए हम इस सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करते हैं। यही सारी चीज़ें जो है, जो मैं आपको अभी वर्बली बता रहा हूँ, ये मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाऊंगा किस तरीके से हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जो कि हमने खुद से डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद में हम उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि एट लास्ट पॉइंट पे हमें अपना जो आउटपुट है वो मिल जाए। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। स्टूडेंट, तो ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन है जहाँ पर मैंने जिस सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात कर रहा था अभी, तो वो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो नॉर्मली आपकी हेडर फाइल होती है जैसे कि आपकी studio.h, ये तो हम लगाते ही हैं नॉर्मली, लेकिन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से संबंधित जो फंक्शंस होते हैं उनको भी कॉल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ये जो आपकी stdlib हेडर फाइल है इसका यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें उन फंक्शंस को कॉल कराना है और लाइब्रेरी से लिंक बनाना होता है। और ये रहा आपका स्ट्रक्चर जिसका नाम मैंने टैग नेम के रूप में लिया है नोड, और इसमें मैंने दो मेंबर लिए हैं। एक तो मेंबर है आपका डेटा, जो कि डेटा स्टोर करने के लिए नोड में डेटा स्टोर करने के लिए लिया गया है, और दूसरा होता है हमारा दूसरा मेंबर जो है हमारा खुद स्ट्रक्चर टाइप का नोड टाइप का एक हमारा दूसरा मेंबर है जो काम करेगा अपने अंदर आगे वाली नोड, यानी कि जो नेक्स्ट नोड अगर हम बनाते हैं अपने स्ट्रक्चर में या लिंक लिस्ट में, तो उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एट लास्ट में हम देखें तो हमने सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को सेमीकॉलन के साथ में समाप्त किया है, और उसके बाद में ग्लोबली हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, एक स्टार्ट यानी कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के लिए, और एक लास्ट, ये भी स्ट्रक्चर टाइप का ही वेरिएबल है। इस वेरिएबल के माध्यम से हम क्या करें कि नोड बाय नोड हम डेटा को इनपुट करते हुए लिंक प्रदान करेंगे, और एट लास्ट पॉइंट तक जितना भी हम नंबर ऑफ नोड देना चाहते हैं वहाँ तक हमारा लास्ट ये रन करेगा। उसके बाद में हमने क्या किया है कि ये दो फंक्शन लिए हैं, जिसमें पहला हमारा फंक्शन है क्रिएट नोड। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, क्रिएट नोड का मतलब आप जितने नोड बनाएंगे और अपना डेटा स्टोर करेंगे, और डिस्प्ले फंक्शन से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी डेटा हमारा लिंक लिस्ट में स्टोर हुआ है वो डेटा हमारा इससे शो किया जाएगा। इसी के साथ ही आगे चलें तो हमारा मेन फंक्शन है,
मेन फंक्शन में देखें आप, हमने इंट एन ले रखा है। इंट एन क्यों लिया है? क्योंकि हमें नंबर ऑफ नोट्स चाहिए जो हम यूज़र से इनपुट कराना चाहते हैं कि वो कितनी नोट्स लेना चाहता है। इस तरीके से क्या होगा, नंबर ऑफ़ नोट्स के लिए यूज़र के पास मैसेज आएगा, यूज़र अपना डेटा इनपुट करेगा, उसके बाद में क्रिएट नोट फंक्शन जस्ट कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद में ये फंक्शन आपको, ये मैंने क्लास में कई बार बताया है कि जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कॉल करने का मतलब है कि कंपाइलर तुरंत उसकी डेफिनेशन पर जाएगा, वहाँ पर डेफिनेशन को रीड करेगा, और रीड करने के बाद में वो क्या करेगा, सीधे जब उसका पूरा डेफिनेशन रीड हो जाएगा फंक्शन का, तो वापस अपना जहाँ पर उसे कॉल किया गया था फंक्शन को, यानी कि मेन फंक्शन में वापस लौट के आएगा और अगला स्टेटमेंट रीड करेगा। अगला स्टेटमेंट जो है हमारा वो प्रिंट एफ है, जिसमें आपको एक मैसेज मिलेगा, डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड इन लिंक्ड लिस्ट, इस तरीके से मैसेज मिल जाएगा, और उसके बाद में आपका डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ है। आगे देखें तो इसमें क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन मैंने इसलिए यूज़ किया है स्टेटमेंट देने के लिए कि जो भी डेटा आपने लिंक लिस्ट में यूज़ किया था या इनपुट किया था वो डेटा आपका सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया है। साथ ही साथ अब बात करेंगे हम, जो हमारा पहला कॉलिंग फंक्शन था क्रिएट नोड, इस फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें आप देखें, इसमें हमने क्या किया है, इसमें क्रिएट फंक्शन की हमने डेफिनेशन के शुरू में एक स्ट्रक्ट नोड, न्यू नोड बनाई है। ये मैंने क्यों बनाई, इसका रीज़न ये है कि न्यू नोड से हम नोड बनाते रहेंगे और उसके बाद में इनका जो लिंक है वो हमारे, मैंने आपको भी शुरू में दो ग्लोबल वेरिएबल दिखाए थे जो कि स्ट्रक्चर टाइप के थे, पहला था हमारा स्टार्ट और दूसरा था हमारा नोड, सॉरी दूसरा था हमारा लास्ट। तो लास्ट का लिंक हर बार में, लास्ट न्यू नोड का लिंक अपने पास रखता जाएगा और इस तरीके से लास्ट हमारा हर बार में रन होता चला जाएगा। इसी तरीके से आगे देखें, क्रिएट नोड फंक्शन में मैंने दो डेटा टाइप लिए हैं, एक आई नाम का वेरिएबल जो कि लूप के लिए लिया है, और दूसरा लिया है हमारा डेटा नाम का वेरिएबल जो डेटा को यूज़र से इनपुट कराने के लिए लिया हुआ है। उसके बाद में देखें, मैंने स्टार्ट फंक्शन, स्टार्ट नाम का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल था उसके लिए मैंने मेमोरी को अलॉट किया है डायनेमिक फंक्शन से, ये आपका मैलॉक फंक्शन है, आप देख सकते हैं। मैलॉक फंक्शन क्या होता है, मैलॉक फंक्शन का मतलब होता है कि ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेगा, और जो आपका साइज ऑफ है, किस डेटा टाइप को हम के लिए या किस डेटा टाइप की मेमोरी जनरेट करना चाहते हैं, ये जो है वो आपका मैलॉक फंक्शन, जो भी इसके फंक्शन वेरिएबल्स में आप देखें जो है वो पास कर दिया जाता है, और ये जितना बाइट वो डेटा टाइप लेता है उतने साइज के अकॉर्डिंग मेमोरी रिप्रेजेंट कर देता है। यानी कि आपका जो भी, जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि स्टार्ट वेरिएबल ले रखा है जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है, इसको वो रेफरेंस पकड़ा देगा। तो यहाँ पर जो मैंने शुरू में स्ट्रक्चर और रेफरेंस की बात की, तो ये रेफरेंस मेमोरी का रेफरेंस होगा जो मैलॉक फंक्शन किसको देगा, स्टार्ट को। और यहाँ पर आप देखें कि जो एक ये इंट है, इंट ये क्योंकि हम ये जानते हैं कोई भी फंक्शन हो वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न जरूर करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैलॉक फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। लेकिन वॉइड एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसको हम किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने उस डेटा टाइप को जो है इंट में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि हमें डेटा जो लिंक लिस्ट में स्टोर करना है वो हमें इंटीजर टाइप का करना है। उसके बाद में मैंने सिंपली स्ट्रक्चर को क्या किया, चेक करा लिया कि स्ट्रक्चर को, मतलब स्टार्ट वेरिएबल को अभी तक मेमोरी मिली है या नहीं। अगर नहीं मिली है तो हमें मैसेज मिल जाना चाहिए, मेमोरी इज़ नॉट एलोकेटेड। उसके बाद में एल्स पार्ट में क्या है, हमें यूज़र को मैसेज दिखाना है कि एंटर डेटा फॉर फर्स्ट नोड के लिए डेटा एंटर हो। तो इसके लिए देखें आप, स्कैनअप फंक्शन हमने चलाया है, स्कैनअप फंक्शन के बाद में डेटा स्टार्ट का जो डेटा पार्ट होगा, क्योंकि कोई भी नोड जब बनेगी और जब सिंगल लिंक लिस्ट होगा तो उसमें दो पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा डेटा पार्ट और दूसरा पार्ट होगा अगले नोड का लिंक या एड्रेस रखने वाला पार्ट होगा। तो इसमें हमने डेटा पार्ट पे डेटा डाल दिया, ये देखें आप, और उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम लिंक या एड्रेस पार्ट भी कह सकते हैं, उस पर नल डाल दिया। उसके बाद में क्या किया है, स्टार्ट को जो भी मेमोरी एड्रेस मिला था उस मेमोरी एड्रेस पे अब हम डेटा भी डाल चुके हैं, वही मेमोरी एड्रेस जो है हमने लास्ट को दे दिया है। अब क्या हुआ, यहाँ पर समझ में ये आया कि स्ट्रक्चर और लास्ट, सॉरी स्टार्ट
और लास्ट, ये दोनों जो वेरिएबल हैं एक ही मेमोरी एड्रेस को इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद में लास्ट के नेक्स्ट को लास्ट दे दिया, जिससे क्या हुआ कि लास्ट जो था अपने खुद के नेक्स्ट पे पहुंच गया, यही इसकी रेफरेंसिंग कहलाएगी। यहाँ पे आगे पहुंच गया। उसके बाद में हमने सेकेंड नोड का डेटा देखिए इनपुट कराया है, फॉर लूप लिया है। यहाँ पर देखें आप, ये आपका है फॉर लूप जिसे मैंने सेकेंड से चलाया है। उसके बाद में न्यू नोड जो अभी मैंने वेरिएबल लिया था स्ट्रक्चर टाइप का, उसमें देखें आप मैलॉक फंक्शन के थ्रू हमने मेमोरी को जनरेट किया है, और बाकायदा जैसे वहाँ पर चेक कराया था स्टार्ट वेरिएबल के लिए, इसी तरीके से न्यू नोड नाम के वेरिएबल के लिए भी हमने चेक कराया है। और मेमोरी अगर अलॉट हो गई है तो हम बाकायदा डेटा अपना इनपुट करेंगे। डेटा इनपुट करेंगे तो न्यू नोड के डेटा पार्ट पे हम डेटा डालेंगे। उसके बाद में न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, जिसको हम लिंक या एड्रेस पार्ट भी अभी हम बता चुके हैं आपको, उसमें नल पड़ जाएगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है कि जो हमारी नोड का लिंक पार्ट होता है उस पर नल ही डाला जाता है, क्योंकि भविष्य में अगर हमें वहाँ पर डेटा मिलता है उस पार्ट में डालने के लिए तो हम डालेंगे, और इसी बात का जो नल है वो द्योतक होता है, यानी कि इसी बात को नल इंडिकेट करता है। उसके बाद में क्या है कि लास्ट के नेक्स्ट पे हमने न्यू नोड को डाल दिया, क्योंकि लास्ट के नेक्स्ट पे न्यू नोड डालने का मतलब है कि लास्ट में, अभी पीछे देखें आपने तो जो हमने लास्ट जो जिस मेमोरी एड्रेस को इंडिकेट कर रहा था उसी को लास्ट का नेक्स्ट थमा दिया था। थमाने का मतलब नेक्स्ट दे दिया था, रेफरेंस दे दिया था। अब उसी रेफरेंस पे ये न्यू नोड का जो एड्रेस है या न्यू नोड का जो भी एड्रेस है वो जो है नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टोर हो जाएगा, और स्टोर हो जाने के बाद में फिर से हम उसी तरीके से लास्ट को फिर से एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम में जब स्टार्ट वाली नोड पे डेटा डाला था किया था। आगे बढ़ें, मेमोरी इज़ नॉट एलोकेटेड का मैसेज दे दिया, क्योंकि अगर मेमोरी नहीं जनरेट हुई है तो ये मिल जाएगा। और अब बात करते हैं डिस्प्ले फंक्शन की, डिस्प्ले फंक्शन वर्क कैसे करता है। डिस्प्ले फंक्शन को वर्क करने के लिए हम यहाँ पर देखें, हमने लिखा है योर इंसर्टेड एलिमेंट्स आर, यानी कि जो भी डेटा आपने एलिमेंट इंसर्ट किए थे अभी तक लिंक लिस्ट में वो हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट को फिर से चेक कराया है, क्या अभी तक जो भी हमने स्टार्ट में डेटा डाला है वो अभी तक है या नहीं। अगर है तो क्या हो कि स्टार्ट नाम के स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का जो फर्स्ट मेमोरी रेफरेंस हो वो लास्ट को मिल जाए, क्योंकि हमें बिगिन से डेटा लास्ट पॉइंट तक प्रिंट करना है। उसके बाद में वाइल में कंडीशन दे दी कि लास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर लास्ट नल के बराबर ना हो तो क्या हो, हमारा लास्ट का डेटा पार्ट का डेटा प्रिंट हो। और उसके बाद में अगली लाइन में हमने क्या प्रिंट कराया है, अगली लाइन में हमने प्रिंट कराया लास्ट इक्वल टू लास्ट का नेक्स्ट, यानी कि लास्ट को उसका ही नेक्स्ट जब रेफरेंस के रूप में मिल जाएगा तो अगली नोड का डेटा फिर उठेगा, और उठने के बाद में वाइल लूप में फिर से चेक होगी क्या लास्ट हमारा नल के बराबर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर से डेटा प्रिंट होगा। यही कंडीशन बार 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 चलती रहेगी जब तक कि हमारे सारे नोड्स का डेटा इनपुट जो हमने किया था वो जब तक कि पूरा डिस्प्ले नहीं हो जाएगा, ये चलता रहेगा, इसी तरीके से हमारा पूरा फंक्शन चलेगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम चलेगा कैसे। फर्स्ट हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद कंपाइल हमारा सक्सेसफुली हो गया, कोई एरर नहीं आई। उसके बाद में अब हम रन कराते हैं, इसमें आप देखें तो लिख के आ रहा है एंटर द नंबर ऑफ नोड्स, आप कितनी नोड्स इनपुट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे हमने दे दिया फोर नोड, हमने बता दें कि हमें फोर नोड इनपुट करनी है, या फोर नोड पे डेटा हमें, फोर नोड के लिए मेमोरी बनानी है और उस पर मेमोरी हमें डेटा इनपुट करना है। अब क्या किया हमने, फर्स्ट नोड के लिए हम डेटा देते हैं, सपोज दैट हमने ये दिया 1 1, सेकेंड नोड के लिए हमने दिया 2 2, थर्ड नोड के लिए 3 3, एंड फोर नोड के लिए नंबर ऑफ फोर नोड, तो हमने इस तरीके से डेटा हमने इनपुट कर दिया। अब फाइनली क्या हुआ कि हमने डेटा को सक्सेसफुली इनपुट कर दिया है। अब यहाँ पर ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया, क्योंकि आप अगर देखें तो आपको ये मैसेज दिखेगा डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड इन लिंक्ड लिस्ट। क्यों, क्योंकि ये मैंने मेन फंक्शन में आपको मैसेज दिया था, आपको याद होगा।
उसके बाद में योर एलिमेंट, योर इंसर्टेड एलिमेंट, ये भी मैंने मैसेज दिया था, ये मेरे एलिमेंट आ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था 11, 22, 33 और 444, यही हमने एलिमेंट अभी इनपुट किए थे जो हमें डिस्प्ले फंक्शन ने दिखाए हुए हैं। और एट लास्ट में डिस्प्ले फंक्शन, जब मेन फंक्शन में हमने कॉल किया था तो वहाँ पर एक मैसेज दिया था, डेटा इज डिस्प्लेड सक्सेसफुली, यानी डेटा हमें सफलतापूर्वक दिख गया। ये छोटा सा फंक्शन था जो कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये एक यूज़र डिफाइंड लिंक्ड लिस्ट है कि यूज़र जितना चाहे उतना अपना बड़ा मेमोरी एलोकेशन कर सकता है और डेटा अपना स्टोर कर सकता है। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमसे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट।